आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले इंफोसिस स्टॉक के बारे में। अभी एक न्यूज ट्रेंड होते हुए दिखा है कि बेंगलुरु के अंदर इसने 5 लाख स्क्वायर फीट लीज पे लिए हैं, जिसका वैल्यू अराउंड 2.3 करोड़ पर मंथ जाने वाला है। और इस समय देखें तो आईटी स्टॉक ओवरऑल जो है अभी भी अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, काफी प्रेशर इस स्टॉक पे आते हुए दिख रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण रहा था कि हाई एम्प्लॉई कॉस्ट, जिसके बाद आपने देखा कि न्यूज आते हुए दिखा है जो वेरिएबल पेइंग हो रहा था आईटी स्टॉक में उसको कट कर दिया गया है, और जो इम्प्लॉई कॉस्ट जाती थी उसको बहुत ही लिमिटेड करने की कोशिश की जा रही है। टेक्निकली स्टॉक पिछले 1 ईयर से देखेंगे तो अंडर परफॉर्म रहा है, टेक्निकली अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। पिछले 3 मंथ से ओवरऑल कंसोलिडेशन में है, डिलीवरी स्टॉक में मोर देन 60% तक के दिख रहे हैं, जो इस बात का इंडिकेशन है कि अभी भी इस स्टॉक को जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से है वो एवरेज आउट किया जा रहा है। इस समय इस स्टॉक में मेरा पर्सनली व्यू बियरिश है, और ये स्टॉक 480-460 तक के लेवल्स को भी टच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बाइंग करना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। हर 20-30 रुपीज के गिरावट पे आप इस स्टॉक को एवरेज आउट कर सकते हैं। फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 1900-2000 तक के इजी लेवल्स दिखेंगे, और मैक्सिमम 2-3 क्वार्टर में इस स्टॉक के बोनस भी इशू होते हुए